आइए स्टूडेंट्स, हम प्लेस वैल्यू क्या होता है, आइए एग्जांपल से समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या। किसी नंबर की प्लेस वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक नंबर लिख लेते हैं 8592। ये हम एक नंबर ले लेते हैं। अगर हम कहें सभी डिजिट का प्लेस वैल्यू बताइए, सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू बताइए, तो हम प्लेस वैल्यू अपने राइट साइड से निकालते हैं। तो अभी मैं बताया था प्लेस वैल्यू में सबसे पहले राइट साइड से हमारा है वंस प्लेस पर टू, तो टू की प्लेस वैल्यू होगी 2 × 1। इसके बाद कोई नंबर नहीं लिया, हम 1 के बाद 0 नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा 2 बन जाती है, क्लियर। आइए फिर 9 की प्लेस वैल्यू अगर हम बताएंगे तो 9 लिखेंगे, 9 × जस्ट 1 लिखेंगे, तो 9 के बाद हमारे डिजिट 2 है, 1 डिजिट है, तो इसलिए एक 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 9×10 = 90। फिर नेक्स्ट हमारा 5 है, 5 की अगर प्लेस वैल्यू बतानी है तो हम लिखेंगे सबसे पहले 5 × अब 1 जस्ट किसी नंबर की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए तो उस नंबर को लिखेंगे जस्ट, इसके बाद 1 लगाएंगे, 1 लिखते हैं तो 1 के बाद देखते हैं तो कितने डिजिट छूट रही है। यहाँ हम 5 लिखे, 5 के बाद कितने डिजिट छूट रही इस पर, तो यहाँ 2 डिजिट छूट रही, इसलिए हम 20 लगा देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 5, 20 बचा, यहाँ 20 लगाए। तो अब नेक्स्ट हमारा और लास्ट डिजिट हमारे पास है 8 की प्लेस वैल्यू बतानी, तो सबसे पहले जिस नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी होती है उस नंबर को लिखते हैं, तो 8 की बतानी हो तो 8 हम सबसे पहले लिखेंगे और जस्ट मल्टीप्लाई लिखने के बाद जस्ट 1 लिखेंगे, तो 8 के बाद कितनी डिजिट छूट रही स्टूडेंट्स, 3 डिजिट। ओके आइए, तो 3 छूट रही है तो 30 हम लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1000, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8×1 = 8, और 30 हैं तो 30 उतारेंगे, तो यही सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है स्टूडेंट। इस प्रकार हम प्लेस किसी नंबर की प्लेस वैल्यू इस तरह हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट। अगर समझ में आ गया हो तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।